जय श्री कृष्णा बच्चों। तो जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन के तरह तरह के जो फार्मूले थे वो फार्मूले मैंने आपको बताए थे और उनके कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करा रहे थे लास्ट क्लास में। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है उसको स्टडी करेंगे। और ये डिफरेंशिएशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के कंटेक्स्ट में। अगर बात की जाए फिजिक्स के हर ब्रांच में ग्राफ बनते हैं और जितने भी ग्राफ बनते हैं उन सब का जो स्लोप होता है वो हमको निकालना होता है, स्लोप का इंटरप्रिटेशन करना होता है। और स्लोप जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएशन का मतलब होता है। तो मैं डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको सिखाने जा रहा हूं। पहले तो मैं उसका मतलब आपको बताता हूं और फिर उसका मैं प्रूफ बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक कर्व है एक्स और वाई, एक्स और वाई के बीच में कोई भी एक कर्व है और हमने किसी भी पॉइंट पर, एक जनरल पॉइंट पर हमने यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। जनरल पॉइंट पर टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया किसी भी पॉइंट पे, इस कर्व के हमने एक टेंजेंट खींचा और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। तो उस कंडीशन में हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं और अभी प्रूव कर भी देंगे आपको कि dy by dx जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। ये डिफरेंशिएशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। यानी कि ध्यान से समझे, आप कोई भी जनरल कर्व है उसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसे वो dy by dx के बराबर होता है। मतलब dy by dx बेसिकली डिफरेंशिएशन है। तो आप किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो dy by dx के बराबर होता है। तो डिफरेंशिएशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है कि आप कोई भी कर्व उठा ले उसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो tan theta के बराबर होगा। ठीक है, ये बात मैं लिख भी दे रहा हूं। स्लोप ऑफ tangent drawn, slope of tangent drawn on any curve, slope of tangent drawn on any curve is given by dy by dx is equal to tan theta। किसी भी कर्व के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका जो स्लोप होता है वो इस रूल से दिया जाता है dy by dx is equal to tan theta। अब ये जो डिफरेंशिएशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो आया कहां से, वैसे इसकी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है आपको, ऐसा नहीं कि फिजिक्स में कोई रिक्वायरमेंट आ रही, लेकिन थोड़ा सा फील दिलाने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि dy by dx tan theta के बराबर कैसे आया। इसको आप विजुलाइज कर सकते हो। देखो मैं इसका थोड़ा सा आपको फील दिलाना चाह रहा हूं कि कैसे आया। जैसे सपोज करिए कोई एक कर्व था और इस टाइप का कर्व था x और y के बीच में, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, x और y के बीच में इस टाइप का कर्व था और ये कोई एक पॉइंट है x1, ये कोई दूसरा पॉइंट है x2 था, इसको हम b बोल दे रहे हैं। इसका जो ये आएगा, ये आ जाएगा मान लिया y1 आ गया और ये जो है इसको मैंने y2 बोल दिया। ठीक है, अब अगर मैं a और b को मिलाऊं, मान लीजिए मैं a और b को मिलाऊं तो a और b को मैं ज्वाइन करूंगा, a और b को जब मैं ज्वाइन करूंगा ये लाइन यहां जाएगी, ये एंगल मान लिया थीटा है, तो tan थीटा अगर मैं लिखूं, tan थीटा इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, तो अगर मैं tan थीटा लिखूंगा तो tan थीटा हो जाएगा इस ट्रायंगल में, इसको मैं m बोल देता हूं, इस ट्रायंगल में tan थीटा होगा bm अपॉन am, bm है y2 माइनस y1 और am जो है वो x2 माइनस x1 है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे ये कोई भी जैसे कर्व था उसके किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने वाली किसी भी लाइन का जो हमने स्लोप खींचा वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो गया। अब मान लो कि ये दोनों पॉइंट a और b ये पास आने लग गए, तो अगर ये दोनों पॉइंट मान लिया जाए कि मैं इनको पास लाता हूं, पास लाता हूं तो y2 माइनस, जितना पास आएंगे a और b, जितना ही पास आएंगे a और b, y2 माइनस y1 उतना ही छोटा होता जाएगा और x2 माइनस y1 x1 भी उतना ही छोटा हो जाएगा। अगर लाते 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 मैं a और b दोनों को एक ही पॉइंट बना दूं
एक ही पॉइंट या बिल्कुल एकदम पास ला दूं, एकदम महीन डिस्टेंस इनके बीच कर दूं, तो ये y2 माइनस y1 जो क्या हो जाएगा, dy जो होता है वो चेंज इन y है, स्मॉल चेंज इन y है, और dx जो है वो स्मॉल चेंज इन x है। तो y2 अगर मैं एकदम a और b को पास लाते जाऊंगा तो पास लाने से क्या होगा, ये जो कॉर्ड है ना ab की, जब a और b दोनों एक ही पॉइंट हो गए तो यही चीज जो है ना ये टेंजेंट बन जाएगी। ए और बी को अगर आप पास लाते जाओगे तो जो कॉर्ड है ये, जो जब ए और बी एक ही पॉइंट हो गए, दोनों एक ही जगह पर आ गए, तो ये जो कॉर्ड है ना, ये जो कॉर्ड है ये टेंजेंट बन जाएगी, ये टेंजेंट बन जाएगी, और टैन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से टैन थीटा हो जाएगा डी वाई, और एक्स टू माइनस एक्स वन जो है वो डीएक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो टैन थीटा जो है वो डी वाई बाई डीएक्स के बराबर हो जाता है। फिर से समझे, मान लेते हैं ए और बी जो है किसी भी कर्व के कोई भी दो पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट है, तो अगर कोई भी दो पॉइंट है तो ये ए बी एक कॉर्ड हो गया, कॉर्ड का जो स्लोप आएगा वो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन आ जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये कॉर्ड का स्लोप आ गया। अब मान लो ए और बी को मैं पास लाते 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 इतना पास ला दूं कि दोनों एक ही पॉइंट हो गए, तो यही जो कॉर्ड होगी वो इस कर्व का टेंजेंट हो जाएगी, और वाई टू माइनस वाई वन की जगह डी वाई आ जाएगा, और एक्स टू माइनस एक्स वन की जगह डी एक्स आ जाएगा, तो टैन थीटा जो है वो डी वाई बाई डी एक्स। फिर से समझे, फिजिक्स के अंदर ये बहुत 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 100 बार बोलूं तो कम है, इतना ये स्लोप का बड़ा महत्व होता है, बहुत सारे सवाल आते हैं स्लोप पर। कोई भी जनरल कर्व है उसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे अगर, तो जो स्लोप आएगा वो टेंजेंट का जो भी स्लोप आएगा टैन थीटा, वो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो इंटीग्रेशन की जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है उसी से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है जो फिजिक्स में बार बार आता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब यह है कि कोई भी फंक्शन है तो, या कोई भी मतलब फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आते हैं। कई बार पूछते हैं कि भाई सर्किट में मैक्सिमम करंट बताओ, या पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, या उसका इंपल्स कब मैक्सिमम होगा ये बताओ, या डिस्प्लेसमेंट कब मैक्सिमम होगा ये बताओ, या उसका जो करंट है वो मिनिमम कब होगा, या इंपल्स मिनिमम कब होगा। यानी मैक्सिमा और मिनिमा के बहुत सारे सवाल बनते हैं जिसमें आपसे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है। तो मैक्सिमा और मिनिमा के जो सवाल होते हैं, उन सवालों में किस तरह से हम लोग अप्रोच करते हैं, किस तरह से जो डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, ये मैं आपको ग्राफ से समझाने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और यहां पर कोई ऐसा ग्राफ बना हुआ है, इस टाइप का एक ग्राफ बना हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे अगर इस जगह पर आप देखेंगे तो ये फंक्शन गया जाते जाते जो मैक्सिमम वैल्यू पे गया और फिर नीचे आ गया, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये इसका मैक्सिमा कहा जाएगा। मैक्सिमा किसी भी फंक्शन में बहुत सारे मैक्सिमा हो सकते हैं, 10 20 50 जगह वो मैक्सिमम हो सकता है। मैक्सिमा में बस आपको ये देखना है, इतना सा देखना है कि अपने आसपास के पॉइंट पे सबसे ज्यादा हो वो, ये जो पॉइंट होगा ये मैक्सिमा कहा जाएगा, ये वाला पॉइंट मिनिमा कहा जाएगा। एम एन बोल दे रहा हूं, एम एन का मतलब मिनिमा। उसी तरह से ये वाला पॉइंट जो है ये मैक्सिमा कहा जाएगा। भाई इस जगह तो अपने आसपास के पॉइंट पे तो मैक्सिमा है ही नहीं है, मैक्सिमा मतलब उस पर्टिकुलर जगह पर देखा जाता है। ओवर देखो दो तरह के मैक्सिमा होते हैं, जैसे एक होता है ग्लोबल मैक्सिमा, एक होता है लोकल मैक्सिमा। तो ये जो पॉइंट है ये लोकल मैक्सिमा, इस खास जगह पे मैक्सिमा है, ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है, हर जगह का मैक्सिमा ये नहीं है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट का मैक्सिमा है, ये इस जगह का मैक्सिमा है। इसका ग्लोबल मैक्सिमा जो सबसे बड़ा वाला मैक्सिमा है, वैसे इन सब में देखें तो ग्लोबल मैक्सिमा ये हो जाएगा, तो ये भी मैक्सिमा ही होगा इसका, ये जो होगा वो मिनिमा होगा। आसपास के पॉइंट में तो सबसे कम वैल्यू आ रही, उसी तरह से ये मिनिमा हो जाएगा, ये वाला मैक्सिमा हो जाएगा। इस तरह से अगर आप देखें तो जहां पे फंक्शन इसे टर्न मारता है, पलटी मारता है, वहां पे या तो मैक्सिमा एग्जिस्ट, जैसे ऊपर से जाके नीचे आने लगा, या नीचे से जाके ऊपर आने लगा, तो ये यहां पे मिनिमा हो जाएगा, यहां मैक्सिमा मिनिमा इस तरह से होंगे। अब ये मैक्सिमा मिनिमा उन सबकी अगर प्रॉपर्टी देखो जरा ध्यान से, तो प्रॉपर्टी क्या है, यहां पे अगर आप टेंजेंट गिराओगे तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल आने का मतलब ये हुआ कि इसका स्लोप जीरो हो गया। अगर आप स्लोप याद करो टैन थीटा, स्लोप यही होता था और इसी को हम डी वाई बाई डी एक्स बोला करते थे। तो यहां पर अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया तो थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल होता है, थीटा जीरो हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा। तो यहां पर देखो स्लोप जीरो आएगा, यहां भी स्लोप जीरो आएगा, यहां भी जीरो आएगा, यहां भी जीरो। यानी जहां भी मैक्सिमा या मिनिमा होंगे, जिस भी जगह पर मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा,
उस जगह पर जो फंक्शन है उसका जो स्लोप आएगा वो जीरो के बराबर आएगा। मैक्सिमा मिनिमा की पहचान यही है कि जिस भी जगह पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा, ठीक है, वहां पर जो फंक्शन का स्लोप यानी डी वाई बाई डी एक्स जो है वो जीरो होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा द स्लोप ऑफ द कर्व इज जीरो, दैट इज जो आपको समझना है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो जीरो के बराबर होगा। ये मैक्सिमा या मिनिमा की पहचान है। जब भी कोई फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम वैल्यू आएगी, मतलब मिनिमा का मतलब नीचे जाते जाते ऊपर चला गया, मैक्सिमा का मतलब ऊपर जाते जाते नीचे आ गया, तो जब भी किसी फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमा होगा तो उस कंडीशन में जो उसका स्लोप होगा यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। अब कई बार ऐसा होता है, कुछ सवाल होते हैं जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा आपसे पूछा जाता है, तो जहां भी मैक्सिमा या मिनिमा होगा उस जगह पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। अब डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा तो या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब इसमें पूछा जाता है कि भाई मैक्सिमा कब होगा या मिनिमा कब होगा, तो इसका भी एक रूल है। वो रूल ये है कि अगर मैक्सिमा होगा तो इसका डबल डिफरेंशिएशन, ऐसे समझिए, मैक्सिमा के लिए माने डी वाई बाई डी एक्स जीरो आया तो मैक्सिमा या मिनिमा एक तो होगा, ये पता चल गया। अब इसमें फॉर मैक्सिमा ये आप अलग से लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए जो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर यानी डबल डिफरेंस, दो बार इसी चीज को डिफरेंशिएट करें, जो ये मैंने लिखा है ना सिंबल डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसी को दो बार डिफरेंशिएट कर दिया हमने, ये जीरो से छोटा आना चाहिए। और मिनिमा के लिए, फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। वैसे फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ती नहीं है कि आपको यह चेक करना पड़े कि वहां पे मिनिमा है या मैक्सिमा, वहां फिजिक्स में जो पूछते हैं वही होता है, मैक्सिमा पूछेंगे तो मैक्सिमा होगा, मिनिमा पूछेंगे तो मिनिमा होगा, ऐसा होता है। लेकिन फिलहाल हमको बात पूरी जानी चाहिए कि अगर जैसे डी वाई बाई डी एक्स जीरो आ गया, हमें पता चल गया कि भाई या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, अब हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, और डबल डिफरेंशिएशन अगर जीरो से छोटा हुआ तो उस केस में मैक्सिमा होगा, और डबल डिफरेंशिएशन अगर जीरो से बड़ा हो गया तो उस केस में मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, रिपीट करता हूं मैं इसको, फिर से समझेंगे। ये कर्व था, किस कर्व के किसी भी पॉइंट पर जहां भी मैक्सिमा या मिनिमा होगा वहां पर ये लाइन ऐसे पैरेलल जाएगी, तो ये लाइन अगर पैरेलल चली गई तो ये एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो गई लाइन, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल जीरो बन गया, जीरो बन गया, थीटा जीरो हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा। यानी मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी अकर करने के लिए स्लोप कर्व का जीरो होना चाहिए, और स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स, टैन थीटा डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए डी वाई बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। अब उसमें अगर मैक्सिमा होगा तो डबल डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा अगर होगा तो डबल डिफरेंशिएशन जीरो से छोटा होगा, और मिनिमा अगर होगा, मिनिमा अगर होगा तो डबल डिफरेंशिएशन जीरो से बड़ा हो जाएगा। तो जैसे मैक्सिमा मिनिमा हमें पता लगाना था कि भाई फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, मिनिमम वैल्यू कब आती है, तो जैसे मान लीजिए कि फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो या चलिए पहले मिनिमा निकालते हैं, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो हमें इस फंक्शन की अगर सबसे कम वाली वैल्यू निकालनी, मिनिमम का मतलब सबसे छोटी वैल्यू, तो मिनिमा निकालने के लिए देखिए, जैसे जहां मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी होगा तो वो पता लगाने के लिए हम जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वाई इज इक्वल था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, अब हम डी वाई बाई डी एक्स लिखें, तो डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा, ये डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू एक्स, और माइनस थ्री एक्स का माइनस थ्री हो जाएगा, और मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी आने के लिए डी वाई बाई डी एक्स जीरो आना चाहिए, तो अब मैं यहां पर डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है उसको जीरो कर देता हूं, डी वाई बाई डी एक्स जीरो कर दिया मैंने, डी वाई बाई डी एक्स जीरो कर दिया, जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 बाई टू, x जब 3 बाई टू होगा तब ये फंक्शन, हमें देखो dy बाई dx जीरो होगा तो दोनों बातें हो सकती है, मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा भी हो सकता है,
तो जब dy by dx 0 होगा यानी x की वैल्यू जब 3 by 2 होगी उस समय ये फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब इसमें एक बात आती है कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा इसका फैसला कैसे होगा, तो इसका फैसला डबल डिफरेंशिएशन से होता है। इसी फंक्शन को मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है d by dx करूं मैं किसका, dy by dx जो आया था ना उसका मैं डबल डिफरेंशिएशन कर दूं। तो अब इसी को हम लोग डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर भी लिखते हैं, यही सेम चीज जो है इसको मैं लिखता हूं डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर। अब dy by dx की वैल्यू मैं लिखूंगा तो ये 2x माइनस 3 हो गया, ये बराबर हो जाएगा d अपॉन dx और इसका डिफरेंशिएशन जो होगा इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा 2x माइनस 3 का, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x का डिफरेंशिएशन ये 2 ही हो जाएगा, ये 2 के बराबर आ गया। अब देखें जो डबल डिफरेंशिएशन था वो पॉजिटिव आ रहा था, अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है यानी जो फंक्शन होगा वो मिनिमा आएगा, तो इसका जो x बराबर 3 बाई 2 पर इसका मिनिमा आ जाएगा। फिर से समझे, मिनिमा आपसे पूछा भी था, एक बार मैंने डिफरेंशिएट किया डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर किया तो एक्स जब एक्स की वैल्यू 3 बाई 2 होगी उस समय इस फंक्शन का या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। अब मिनिमा मैक्सिमा कौन सा होगा ये चेक करने के लिए हमने एक बार और डिफरेंशिएट किया, तो डी वाई बाई डी एक्स था 2x माइनस 3, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे 2x माइनस 3 को तो 2 आ गया, इसका मतलब कि ये फंक्शन जो है इसका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अब जो मिनिमा इसका आएगा x इज इक्वल टू 2 बाई 3 पर, तो अब y की वैल्यू मैं निकालता हूं एट x इज इक्वल टू 2 बाई 3, तो y की वैल्यू कितनी थी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो ये हो जाएगा सॉरी 3 बाई 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 बाई 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 बाई 2 प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 9 बाई 4 माइनस 9 बाई 2 प्लस 2, ठीक है। तो अब इसको और हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 बाई 2 माइनस 9 बाई 4, तो हो गया 2 माइनस 9 बाई 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाई 4। तो जो y की वैल्यू आ जाएगी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो माइनस 1 बाई 4 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 3 बाई 2 होगी, जब x 3 बाई 2 के बराबर होगा उस समय y सबसे छोटा होगा और y की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो माइनस 1 बाई 4 के बराबर आ जाएगी। जैसे मैक्सिमा मिनिमा को थोड़ा और अच्छे से समझे हम लोग, जैसे वेलोसिटी मान लेते हैं किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इस इक्वेशन से दे रखी है माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6, ये पार्टिकल की जो स्पीड है उसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अभी इसके अंदर क्वेश्चन आ रहा है फाइंड द टाइम व्हेन स्पीड इज मैक्सिमम, वो समय आपको बताना है जब स्पीड सबसे अधिक होगी, स्पीड मैक्सिमम जब होगी तो वो वाला टाइम आपको बताना है। फाइंड द टाइम व्हेन स्पीड इज मैक्सिमम। अब मैक्सिमम स्पीड अगर हमें निकालनी है या मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो ये नियम जो मैक्सिमम मिनिमा का है वो आपको सबको पता है, उसी पे हमको समझना है कि भाई या तो जब मैक्सिमा या मिनिमा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो होगा। कोई भी फंक्शन है उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो उसका डिफरेंशिएशन हमको जीरो कर देना होगा। तो अब जैसे फाइंड द टाइम व्हेन द स्पीड इज मैक्सिमम, तो अब मैं स्पीड का डिफरेंशिएशन करता हूं, स्पीड का डिफरेंशिएशन करूंगा यानी कि मैं डीवी बाई डीटी की वैल्यू निकालता हूं। डीवी बाई डीटी अगर होगा तो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस टी स्क्वायर ओवर डीटी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4t ओवर डीटी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 6 ओवर dt, ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आ जाएगा माइनस 2t, 4t का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 4, 6 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0, तो ये जो वैल्यू आएगी dv by dt ये आ जाएगी माइनस 2t प्लस 4 के बराबर। अब हमें यही पता लगाना है कि ये वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम कब होगी, तो जब भी ये वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम होगी उस कंडीशन में जो डीवी बाई डी टी होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो चलिए भाई ये डीवी बाई डी टी मैं जीरो के बराबर कर देता हूं, तो डीवी बाई डी टी जीरो के बराबर करूंगा तो ये बराबर हो गया माइनस ऑफ 2t प्लस 4, 0 आ गया, सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू 2 आ गई। यानी कि जब टाइम 2 सेकंड बीत जाएगा
जब समय 2 सेकंड बीत चुका होगा उस समय इस पार्टिकल की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होगी। अभी आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी कितनी, अधिक से अधिक स्पीड कितनी होगी, तो अधिक से अधिक स्पीड आपको निकाल, मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी हो सकती है। तो अब जैसे इसकी जो स्पीड आई है टी बराबर 2 पे, अगर वो हम निकालना चाहें तो टी की जगह हम 2 कर दें तो माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6, तो ये बराबर जाएगा माइनस 4 प्लस 6 प्लस 8 14 माइनस 4 तो ये 10 के बराबर हो जाएगा। तो स्पीड जो है टी बराबर 2 सेकंड पर, ठीक है, ये 10 के बराबर जाएगी और यही मैक्सिमम स्पीड होगी। अभी कोई डाउट ये हो सकता है कि भाई मैक्सिमम आपको कैसे पता चला, डिफरेंशिएशन 0 होने पे मैक्सिमम मिनिमम दोनों होते हैं, तो मैं इसको एक बार डबल डिफरेंशिएट कर देता हूं, डी स्क्वायर वी और डी टी स्क्वायर निकाल के देखूं अगर मैं, और वो नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब जो है मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूं। एक बार डिफरेंशिएट किया ये आया था, अगर मैं इसको, ये जो फंक्शन है माइनस 2t+4 इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 4 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 2 बाहर आ जाएगा और ये माइनस 2 आ गया। अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो फंक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, तो ये जो फंक्शन आएगा वो मैक्सिमम आ जाएगा, तो माइनस 2 के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे कोई दो नंबर है, मान लीजिए एक्स और वाई दो नंबर है और इनका जोड़ एक कांस्टेंट है, मैंने 64 ले लिया है, आप कोई भी और नंबर ले सकते हैं, इनका जोड़ कांस्टेंट है। तो इसके अंदर सवाल इस तरह के बनते हैं जो फिजिक्स में यूज आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज मैक्सिमम। एक्स की वैल्यू इस तरह से बताएं कि प्रोडक्ट जो एक्स और वाई का है वो मैक्सिमम हो गया, एक्स और वाई का प्रोडक्ट, मतलब मान लो एक्स इंटू वाई अगर हम मैक्सिमम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एक्स की क्या वैल्यू होगी, दो नंबर से इनका जोड़ कांस्टेंट है और इनका जो प्रोडक्ट यानी गुणनफल है वो हम अधिक से अधिक करना चाह रहे हैं, तो अधिक से अधिक करना चाह रहे हैं तो जो वैल्यू आएगी एक्स और वाई की वो क्या होगी ये हमें पता लगाना है। तो जैसे हम इस चीज का मैक्सिमा निकालना चाह रहे हैं, अब अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करें, x प्लस वाई कॉन्स्टेंट था तो इसको, इसी फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, y की जगह हो जाएगा 64 माइनस एक्स, ये प्रोडक्ट आ गया, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो dp अपॉन dx जो आएगा, इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा ये बराबर जाएगा 64 माइनस 2x, ठीक है, डीपी अपॉन dx जो आएगा वो 64 माइनस 2x के बराबर आ जाएगा। और हम चाहते हैं कि मैक्सिमा जहां पर भी आएगा वहां पर डिफरेंट, इसी चीज को मैक्सिमम करना था पी को, तो अब पी को मैक्सिमम करना था तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डीपी अपॉन dx जो आएगा, सॉरी डीपी अपॉन dx जो हमें निकालना है अभी, तो डीपी अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी डिफरेंशिएशन ऑफ 64x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, 64 बाहर आ जाएगा, डीएक्स अपॉन डीएक्स 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। तो जब भी मैक्सिमा या मिनिमा आएगा तो जो डिफरेंशिएशन है वो 0 के बराबर जाएगा, तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो एक्स की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। तो x जब 32 के बराबर होगा, ठीक है, तो इन दोनों का जब x 32 होगा तो खैर उस समय y भी 32 होगा, यानी जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे उसी समय इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। और ये बड़े काम की बात है, फिजिक्स में बहुत जगह हम लोग इस बात का इस्तेमाल करते हैं कि अगर दो नंबर्स का जोड़ कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब दोनों नंबर बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी भी है कि कोई भी दो नंबर है उनका जोड़ अगर कांस्टेंट है, उनका सम कांस्टेंट है, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब वो दोनों नंबर बराबर हो जाते हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन वाली बात है जिसको मैं नोट भी करता हूं और इसको आप भी अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, एक काम की बात है, इफ सम ऑफ टू नंबर्स पॉजिटिव नंबर लिख दे रहा हूं मैं, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज कॉन्स्टेंट देन देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम।
then the product is maximum when numbers are equal. Sum of two positive numbers is constant, then their product is maximum when numbers are equal. एक जैसे मैक्सिमम मिनिमम का एक और सवाल जो है, जैसे सपोज करिए कि ये वाई की ये वैल्यू दे रखी है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स प्लस सेवन. तो इसमें आपको ये पता लगाना है कि कौन से एक्स ऐसे होंगे जिनके लिए फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा. इसमें सवाल ये बनता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज एंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम. मतलब x की कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये जो फंक्शन आपके सामने रखा है ना, ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा. मैक्सिमम या मिनिमम अगर हमें पता लगाना है तो कोई भी फंक्शन जो होता है जहां पर उसका dy by dx जीरो आता है, जहां उसका स्लोप जीरो आता है, वहीं पे वो या तो मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है. तो अगर हमें मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है तो हम पहले तो dy by dx की वैल्यू निकालें. अब जैसे dy by dx की वैल्यू अगर मैं लिखूं, dy by dx अगर मैं लिखूं, तो ये इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस, जैसे 3 बाई टू तो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर इसमें 2 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, और फिर ये 7 का डिफरेंशिएशन जो आएगा, जो 7 का डिफरेंशिएशन होगा वो लिखना है. तो dy बाई dx अगर मैं लिखना चाहूंगा तो ये dy बाई dx इस तरह से आ जाएगा. अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जैसे x क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 3x स्क्वायर होगा, तो यहां से देखा जाए तो dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा 1 बाई थ्री इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई टू, पहले से था x स्क्वायर हो जाएगा 2x, प्लस dx by dx 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये dy by dx आ गया. अब जहां भी ये फंक्शन मिनिमा या मैक्सिमा होगा उस जगह पर dy by dx 0 के बराबर होगा. मैक्सिमा मिनिमा वाले सवाल ही होते हैं, जहां भी इसका मैक्सिमा या मिनिमा आएगा वहां पर dy by dx 0 होगा. तो अगर मैं इस चीज को dy by dx को 0 कर दूं तो यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो. इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो. यहां से मैंने कॉमन ले लिया एक्स माइनस टू, फिर यहां माइनस वन कॉमन ले लिया, फिर एक्स माइनस टू. फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके दो फैक्टर आ गए, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. तो एक तो एक्स बराबर वन हो गया और एक टू हो गया. यानी या तो x बराबर 1 पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, या x बराबर 2 पे भी मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, 1 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है. अब कहां मैक्सिमा होगा कहां मिनिमा होगा इसके लिए हमें एक बार और डिफरेंशिएट करके चेक करना होता है. तो अब जैसे मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करूं, अगर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालता हूं मैं, तो एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, माइनस 3x का माइनस 3 हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा. अब ये डी स्क्वायर समझिएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा होगा और अगर ये नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा आएगा. अब एक्स की दो वैल्यूज थी 1 और 2, तो एक जगह तो देखें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं लिखूं एक्स इज इक्वल टू 1 पर, तो ये हो जाएगा 2 × 1 − 3 हो गया −1, ठीक है. और अगर मैं इसकी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 2 पर लिखूं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं लिखूं एक्स बराबर 2 पे, तो ये हो जाएगा 2 × 2 − 3 और ये 1 आ जाएगा. तो यानी कि एक्स बराबर 2 जो है इस पे पॉजिटिव आ रहा है, यानी एक्स बराबर 2 पे मिनिमा होगा
और x बराबर 1 पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब x बराबर 1 पे मैक्सिमा आ जाएगा। तो x बराबर 1 पे मैक्सिमा आ जाएगा और x बराबर 2 पर मिनिमा आ जाएगा। तो इस तरह से हम फंक्शन में कहां कहां मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, इस तरह से हम लोग फंक्शन में कैलकुलेट करके निकाल सकते। जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देखा, डिफरेंशिएशन बस उतना ही हमने देखा जितना कि फिजिक्स में काम आता है, मैक्सिमा निकालने के लिए, मिनिमा निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए, तीन चीजों में डिफरेंशिएशन का यूज होता है। उसी तरह से एक टर्म होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का जो शाब्दिक मतलब होता है, जो डिक्शनरी में आप उसका मीनिंग देखेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ना चीजों को आपस में। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंस पैदा करना, अलग करना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है आपस में जोड़ना। तो जैसे कहते हैं ना यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, तो इंटीग्रिटी वर्ड यही बताता है कि हमको जोड़ना है चीजों को। तो इंटीग्रेशन भी बेसिकली किसी भी चीज को, जैसे कुछ फंक्शन है उनको आपस में जोड़ने को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। अपने काम की बात यह है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। जो फंक्शन जो है, जब आप डिफरेंशिएट करने पे जो आता है, जैसे मान लीजिए किसी कोई फंक्शन है, मान लीजिए ठीक है वाई को हमने डिफरेंशिएट किया और जेड आया, तो अगर हम जेड को इंटीग्रेट करेंगे, अगर हमने वाई को डिफरेंशिएट किया है और जेड आ गया है, तो जेड को इंटीग्रेट करेंगे तो जो फंक्शन है वो वाई आ जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। जो किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करने पे जो आता था, जो भी आया था, अगर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वही आएगा जिसको मैंने डिफरेंशिएट किया था। तो इंटीग्रेशन जो है इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा है ये, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है ये, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, जैसे हम लिखेंगे इंटीग्रल y dx, तो इंटीग्रल y dx का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ y, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रल y dx का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर y का हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो उसका जो सिंबल होता है दैट इज इंटीग्रल y dx। अब ये जो इंटीग्रल y dx है इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो जैसे डिफरेंशिएशन में मैंने आपको तरह तरह के फार्मूले बताए थे ना, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, एक्स टू दी पावर एन का, उसी तरह से इसमें भी बहुत सारे फार्मूले हैं। तो सबसे पहले हम इसके कुछ जो इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट फार्मूले थे वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हम एक फार्मूला आपको बता रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx, इसका जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस एक अननोन कांस्टेंट होता है जिसे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c कहते हैं। अगर हम x टू दी पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे ये चीज आ जाती है, ये फार्मूला है जो आपको याद करना है, रट लेना है, ठीक है। अब हमने आपको ये बताया था ना कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। तो जैसे हमने x टू दी पावर n को इंटीग्रेट किया तो ये आया, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, ये चीज जो आपको दिख रही है इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये आना चाहिए। चलो मैं इसको डिफरेंशिएट करके दिखाता हूं, इस पूरे को मैं डिफरेंशिएट करके आपको दिखाता हूं। तो सिर्फ ये जस्टिफाई करने के लिए ये बता रहा हूं मैं कि आपको फार्मूला समझ में आ जाए। तो जैसे x टू दी पावर n को इंटीग्रेट किया तो ये आया, अब ये जो चीज आ रही है इस चीज को मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, तो चलो मैं डिफरेंशिएट करके दिखाता हूं कि बस एक आपको फार्मूले पे विश्वास हो जाए। इसलिए अपॉन एन प्लस वन अपॉन डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन, अब इसमें ये वन अपॉन एन प्लस वन देखिए बाहर आ जाएगा, और x टू दी पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पहले से पता है n x टू दी पावर n प्लस 1 n माइनस 1, तो यहां पर n की जगह n प्लस 1 है तो ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू x टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, n प्लस 1 से n प्लस 1 चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा x टू दी पावर n, ठीक है। तो ये x टू दी पावर n के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इस पूरे को मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया ना कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है, तो एक फार्मूला ये है जो आपको याद रखना है, ठीक है। किसी भी चीज, किसी भी फंक्शन को अगर आप
डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, तो जो आएगा ना उसको डिफ्रेंशिएट करने पे वो फंक्शन दोबारा से आ जाता है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा मैं इसको और मूड अच्छे से क्लीन कर दूं। और फार्मूले है इसमें, जैसे एक फार्मूला ये है इंटीग्रल ऑफ सी डी एक्स, कोई भी कांस्टेंट है सी डी एक्स, तो इसमें से सी बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रल डी एक्स हो जाएगा। मतलब जो इंटीग्रेशन जो भी कांस्टेंट होगा वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। उसके अलावा और भी फार्मूले इसमें है, एक इसके अंदर आता है साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, कैसे माइनस कॉस एक्स प्लस सी आता है आप याद करो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस साइन थीटा, दो माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आना चाहिए कुल मिला के। ठीक है, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी आएगा, कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा कॉस एक्स का, ये जो आता है ये साइन एक्स हो जाता है, साइन एक्स प्लस सी के बराबर आ जाता है। तो ये इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले थे, और भी कई सारे फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं इंटीग्रेशन के। तो जैसे इंटीग्रेशन के मैं आपको फॉर्मूले बता रहा था, तो एक्स टू दी पावर एन का, कांस्टेंट का, और भी कई सारे इसमें फॉर्मूले होंगे। जैसे एक ही आता है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, जो आता है वो ई टू दी पावर एक्स ही आता है। ये जो फंक्शन है ई टू दी पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन भी वही फंक्शन आ जाता है और जो इंटीग्रेशन है वो भी वही आ जाता है। उसके अलावा एक और फंक्शन इसके अंदर आता है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, एक्स की पावर माइनस वन है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो एल एन एक्स प्लस सी आ जाता है। एल एन एक्स का मतलब लॉग एक्स टू द बेस ई। उसके अलावा एक और फंक्शन आता है इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ जाता है टैन एक्स प्लस सी। मतलब कुल मिला के जो इंटीग्रेट करोगे तो जो आएगा वही डिफरेंशिएट करने पे उल्टा आ जाता है। ऐसे हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी तरह से जो भी फार्मूले हैं वो फार्मूले जो है वो लिखे जा सकते हैं। और भी फार्मूले मैं आपको बताता हूँ, कई सारे इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं और उन फार्मूलों पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं और उन पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो फार्मूले मैं आपको और बता देता हूं, जितने इसके फार्मूले बनते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मैं लिखूं sec x into tan x into dx, तो ये जो आएगा ये आ जाएगा sec x प्लस सी। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स जो आएगा यह आ जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक एक्स प्लस सी, इस तरह से आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, मान लेते हैं दो फंक्शन है वाई प्लस जेड डी एक्स, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रल ऑफ, मतलब वाई का अलग इंटीग्रेशन और जेड का अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन के तरह तरह के फार्मूले हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फार्मूला होता है, उसको आप याद रखिएगा, फिजिक्स में कई जगहों पर यूज आता है। अगर हम लिखें इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, जहां ए और बी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी लिखना है, ए और बी कॉन्स्टेंट है, तो यह आता है वन अपॉन ए एल एन ऑफ एक्स प्लस बी, जो भी एक्स के साथ लगा हुआ है उसका वन बाई ए टाइम्स हो जाएगा, प्लस यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे जो फंक्शंस हैं उनका इंटीग्रेशन हम लोगों ने देखा। तो इंटीग्रेशन के जो फार्मूले मैंने आपको बताया उनका आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे फार्मूले होते हैं तो उनका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कुछ छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे सवाल से हम इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, सिंपल सा सवाल है, हम फार्मूला लगाएंगे एक्स टू दी पावर एन वाला, एन की वैल्यू टू के बराबर है, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, तो जो आएगा ये आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सम कांस्टेंट, ये हो जाएगा। एक और छोटा सा सवाल,
इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स टू रूट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टू रूट एक्स अगर हमें करना है तो टू रूट एक्स है तो एक्स की जो यहां टू जो है वो कांस्टेंट के बाहर आ जाता है और एक्स की पावर जो है वो वन बाई टू हो गई, ठीक है। तो ये बराबर जाएगा टू एक्स टू दी पावर वन बाई टू, क्या हो जाएगा वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन प्लस सी, इसके बराबर हो जाएगा। अभी इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा फोर एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री प्लस सी। तो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं उनको हम लोग इस तरह से लगा सकते हैं। एक चलो और क्वेश्चन देता हूं, अरे छोटे छोटे बस फार्मूले की प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपको, सवाल नहीं है, फार्मूले जो मैंने आपको बताए थे उनकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। एक और छोटा सा सवाल देखिए, वाई की वैल्यू दे रखी है माइनस एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई टू प्लस टू थ्री एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू प्लस फाइव, ये वाई दिया है और हमें निकालना है इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स, हमें इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इंटीग्रल वाई डी एक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ माइनस एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई टू प्लस थ्री एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू प्लस फाइव डीएक्स, यहां जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो फर्दर सॉल्व करने पर यह जाएगा माइ इंटीग्रल ऑफ माइनस एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई टू डीएक्स प्लस थ्री इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू डीएक्स प्लस फाइव डीएक्स, यहां जाएगा। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे यहां पर x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा तो ये माइनस जो है वो तो पहले से ही है, ये हो जाएगा x टू दी पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन, ये किया गया। दूसरा ये हो जाएगा थ्री x टू दी पावर थ्री बाई टू जो आएगा ये आ जाएगा x टू दी पावर थ्री बाई टू प्लस वन, फार्मूला वही x टू दी पावर n अपॉन n प्लस वन, तो यहां n की वैल्यू थ्री बाई टू आ गई अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन, ये हो जाएगा प्लस फाइव। इंटीग्रल डीएक्स को हम लिख सकते हैं जैसे इंटीग्रल डीएक्स जो है ना फाइव इंटीग्रल डीएक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स टू दी पावर जीरो इंटू डीएक्स, फाइव बाहर आ गया। अब एक्स टू दी पावर जीरो इंटू डीएक्स जब मैं लिखेंगे तो एक्स टू दी पावर जीरो तो जीरो ही रहेगा, तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो सॉल्व करने पर ही क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू प्लस वन जो है वो वन बाई टू हो जाएगा, तो वन बाई टू ऊपर चला जाएगा, तो क्या माइनस टू एक्स टू दी पावर वन बाई टू प्लस थ्री बाई टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री बाई टू प्लस वन हो जाएगा फाइव बाई टू, टू ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सिक्स अपॉन फाइव इंटू एक्स टू दी पावर फाइव बाई टू, ठीक है, प्लस फाइव एक्स टू दी पावर जीरो जो है एक्स टू दी पावर जीरो का इंटीग्रेशन होगा एन की वैल्यू यहां जीरो आ गई तो एक्स टू दी पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, तो ये सिंपली एक्स हो जाएगा प्लस जो लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट तो आ ही जाएगा, तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक यहां पे क्वेश्चन आ रहा है y इज इक्वल टू थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स, हम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, बस ये सिंपल फार्मूले बेस्ड सवाल है, करा इसलिए मैं रहा हूं कि थोड़ा इंटीग्रेशन की फीलिंग आ जाए आपको। तो ये इंटीग्रल y dx हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस फोर इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, यहां जाएगा और हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री कॉस एक्स, कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन आता है वो साइन एक्स आता है, तो प्लस फोर साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। तो अगर इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे सिंपल फार्मूले जो है वह अप्लाई कर दिया करते थे और उन फार्मूलों के हिसाब से वैल्यू निकाल लिया करते थे। अब इंटीग्रेशन में भी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनमें डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं आता है तो उसमें भी हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इंटीग्रेशन में आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये क्या होता है ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है,
एक एग्जांपल के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि हमें इंटीग्रेट करना है 2x प्लस 3 टू दी पावर 3/2 dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब इसमें प्रॉब्लम यह आ रही है कि अगर ये सिंपल x टू दी पावर 3/2 होता तो आराम से कर लेते, लेकिन यहां पर ये 2x प्लस 3 आ गया। तो अगर ये 2x प्लस 3 आ गया तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब कि जिस चीज को हमें इंटीग्रेट करना है, जैसे ये चीज इंटीग्रेट करनी थी ना, तो इसकी जगह हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कुछ मान लेते हैं। तो जैसे मैंने मान लिया कि u इज इक्वल टू है 2x प्लस 3, जो u की वैल्यू आएगी वो 2x प्लस 3 मैंने मान ली। अब उसके बाद अगर हम देखें तो u अगर 2x प्लस 3 आया तो du अपॉन dx जो आएगा ये 2 आ जाएगा, और dx की जगह मैं लिख सकता हूं du अपॉन 2, ऐसा लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, ये 2x प्लस 3 जो था उसकी जगह मैंने u मान लिया था, सब्स्टिट्यूशन कर दिया था, तो 2x प्लस 3 की जगह तो u आ गया और 2^3/2 हो गया, और इधर जो dx आया था उसकी जगह du/2 हो गया। तो ये हो गया u क्यूब du/2। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो गया 1/2। अब देखो ये भी u है, ये भी u है। अब हम यहां x टू दी पावर n वाला या u टू दी पावर n का फार्मूला लगा देते हैं। तो अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो u टू दी पावर 3/2 था ना, ये हो जाएगा u टू दी पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c, ये हो जाएगा 2 से 2 चला जाएगा, और ये सॉल्व करने पर आ जाएगा u की वैल्यू है 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा u टू दी पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c हो गया, u टू दी पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c। और अब हम u की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 टू दी पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5 c, इस तरह से आ जाएगा। तो लास्ट में तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग जिस चीज को इंटीग्रेट, फार्मूला डायरेक्ट नहीं लग पा रहा है तो जिस चीज को इंटीग्रेट करना है उसको हमने u मान लिया, u 2x प्लस 3 हो गया, फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो du बाई dx 2 हो गया, तो dx की जगह du/2 आ गया। अब मैंने 2x प्लस 3 की जगह u रखा और dx की जगह du/2 रखा। अब देखो फार्मूला लग जाएगा x टू दी पावर n वाला, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 1/2 पहले से ही है प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, तो ये आ गया। अब इसके अंदर क्या है कि u की वैल्यू मैंने रख दी 2x प्लस 3 अपॉन 5, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये क्वेश्चन हो गया। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे एक सवाल ये मैं बताने जा रहा हूं, मान लीजिए y इज इक्वल टू है 3 साइन ऑफ 11x प्लस 7, मान लीजिए y इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ 11x प्लस 7, और मुझे वैल्यू निकालनी है इंटीग्रल ऑफ y dx की। तो अगर मुझे इंटीग्रल ऑफ y dx की वैल्यू निकालनी है तो यहां पर मैं अगर लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ 3 साइन ऑफ 11x प्लस 7 इंटू dx, ऐसा लिखूंगा मैं। अगर ये 11x प्लस 7 जो है ये नहीं होता, इसकी जगह u होता, तो बहुत आसानी से काम हो जाता हमारा। या 11x प्लस 7 की जगह x ही होता अकेले तो भी हम साइन x का फार्मूला लगा देते, लेकिन यहां पर ये साइन x का फार्मूला नहीं लग पा रहा है। अब साइन x का फार्मूला नहीं लग पा रहा है तो क्या क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग वही सब्स्टिट्यूशन करते हैं। हमने u को मान लिया 11x प्लस 7, तो अब हम du अपॉन dx लिखेंगे। u जो है वो 11x प्लस 7 है, तो अगर du अपॉन dx हम लिखेंगे तो ये 11 के बराबर आ जाएगा। अब du अपॉन dx 11 के बराबर आ गया, तो अब हम यहां पे वैल्यू रखें तो इंटीग्रल y dx जो आएगा ये बराबर आ गया 3 इंटीग्रल ऑफ साइन u, और dx की जगह हम du अपॉन 11 कर देंगे। इसकी जगह हमने du अपॉन 11 कर दिया, ठीक है। फिर से देखिए 11x प्लस 7 जो है उसको मैंने u मान लिया, डिफरेंशिएट करो तो du अपॉन dx 11 आ गया। अब इस 11x प्लस 7 की जगह मैं u रखूंगा, ठीक है, 11x प्लस 7 जो है उसकी जगह तो मैंने u रख दिया, और जहां dx है उसकी जगह du बाई 11 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3 अपॉन 11 साइन u का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस u
प्लस लास्ट में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट रहता है। अब अंत में आंसर तो मुझे x के टर्म में चाहिए, तो अंत में मैं u की जगह x रख दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3/11 cos ऑफ माइनस 3/11 cos ऑफ 11x प्लस 7 प्लस c, ये भी आ जाएगा, ठीक है।